देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार। देश विदेश में बैठे सभी हमारे व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लुधियाना से इसको लाइक कर रहे हैं। और हमने जो स्पोकन इंग्लिश के एपिसोड्स शुरू किए हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है। तो गाइस, हम आज जो चैप्टर करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कल हमने डिस्कस किया था कि काम जो है वो हो चुका है, काम जो है वो हो चुका है। अब एक और बात होती है कि जो हम सेंटेंस बोलते हैं कि काम हो चुका है, उसमें काम कितनी देर से हो चुका है उसका समय जो है उसमें दिया होता है। जैसे मैं 10 मिनट से बात कर रहा हूँगा, तो टाइम हैज़ बीन जस्ट मेंशनड इन द सेंटेंस। बच्चे 2 घंटे से खेल के मैदान में खेल रहे हैं, लड़कियाँ आधे घंटे से गीत गा रही है, वह इस मकान में 1980 से रह रहे हैं या रह रहा है या रह रही है। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स में जो जितने भी मैंने सेंटेंस बोले हैं इसमें टाइम मेंशन किया है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने जो व्यूवर्स हैं उनको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एपिसोड आपके लिए बोला जाता है वो तो एक टिप्स होते हैं, वो एक टिप्स हैं। अब पूरा अभी हम ज़्यादा बड़ा एपिसोड बनाने के योग्य नहीं हुए हैं, बड़ा एपिसोड तो अभी हम थोड़ी देर में इस योग्यता पर भी पहुँचेंगे, लेकिन तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करते रहिए, क्योंकि हमने जो टिप्स दिए हैं वो उस टिप्स पर आप अमल करिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप हमारे एपिसोड को लगातार देखेंगे। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को एक और बात करना चाहता हूँ कि आप अकेला सब्सक्राइब करके मत छोड़िए, आप इसको व्यूइंग भी करिए, आप इसको देखिए भी डेली, तभी स्पोकन इंग्लिश का फ़ायदा होगा। आप ये मत सोचिए कि सर रोज़ टिप्स दे देते हैं, इस एपिसोड में तो एक टिप्स हमें दे दिए तो बात ख़त्म होगी। लेकिन एक एपिसोड को, मेरा तो एक एपिसोड होता है, मेरा तो एक टिप्स देना होता है, लेकिन आप लोगों को उस टिप्स पे अमल करना होता है। अगर आप उस पे अमल करेंगे तो ये लंबा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तब आपको तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यू आर इन नीड ऑफ द प्रैक्टिस। अगर मैं कहूँ कि मैं आधा घंटा करूँ तो आप भी 15 मिनट पढ़ेंगे, अगर मैं 10 मिनट बोलूँ तो आप भी 10 मिनट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्टिन्यूशन में रहना है। तो अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। टाइम जो है वो सेंटेंस में दिया हुआ है। अब जैसे मैंने कल बताया था कि हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ जो लगता है वो दूसरे सिंगुलर व्यक्तियों के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर लड़का है चाहे लड़की है, और जब अपने अपने साथ लगाना होता है सिंगुलर उसमें तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप जब अपनी बात कर रहे हैं तो उसके साथ बीन का इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगनी है। जैसे मैं बोलूं मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूं, आई हैव बीन टेकिंग द मील फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। तो अब ये चीज़ें हैं, अब इसमें अब फॉर मैंने इस्तेमाल किया वर्ड, अब दो हमारे पास वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है टाइम के साथ आगे लगाने के लिए सेंस, और एक आता है फॉर। फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जो सेंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जब आप पर्टिकुलर बोल दिए, जैसे मैंने 10 मिनट बोल दिए, अब 10 मिनट का मतलब सेकंड्स आगे पीछे। अब अगर मैं इसको 1 घंटा बोलूँ या मैं, तो ये जो टाइमिंग्स हैं ऐसे जो लिंगरिंग टाइमिंग्स हैं वो फॉर में आते हैं। अब मैं अगर बोलूँ मैं 1980 से, ये एग्जैक्ट टाइम, व्हेनेवर द एग्जैक्ट टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस, then you are in need of making the uses of since in the sentence. जब मैं example आपको बताता हूँ, वह 1980 से इस मकान में रह रहे हैं, they have been living in this house since 1980, right? वह सुबह से ये काम कर रहा है, he has been working since morning. तो ये एक period of time के लिए, एक sense of time के लिए, एक period of time, एक point of time के लिए, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो सेंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को, इस कंटेंट को अपनी बुक्स में, अपने नोटबुक्स पर लिखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे।
तो साथ मैं अपने सब्सक्राइबर को एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को, अपने परिवार वालों को ये बात जरूर बताएं, क्योंकि ये है तो बहुत छोटी सी बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ या बताता हूँ डेली एपिसोड में, लेकिन इसका फ़ायदा आगे जाकर लॉन्ग टर्म में बहुत होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसका फ़ायदा लिया जा सके और हमें भी फ़ायदा मिले कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो इंक्रीज हों। तो थैंक यू वेरी मच।